राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा गंगा संवाद यात्रा 26वें दिन 280 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली गई। यात्रा कानपुर के बिठूर में 30 नवंबर को समाप्त होगी। यात्रा सुबह 10 बजे हरपालपुर बाजार से शुरू हुई। ककरा, इकनौरा, कमक्कन, लक्ष्मणपुर, मेरीमाऊ, भटकनाथ, सांडी गांव तक पदयात्रा पहुंची। गंगा संवाद यात्रा का स्वागत इकनौरा गांव में अजय शुक्ला, वगीरा यादव, किशोर कुमार, संजीव वाजपेयी, रमाशंकर, मदन द्विवेदी ने फूल मालाओं से किया। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, विख्यात विचारक केएन गोविंदाचार्य जी ने इकनौरा गांव में अपने उद्बोधन में कहा कि गौ माता गौमूत्र गोबर देती है, घर की माता दूध देती है। भारत में गौ माता का विशेष स्थान है, यहाँ पे 16% बायोडेंसिटी है। हमने देश की प्राकृतिक चीजों की उपेक्षा की है, हमने बिना विचार किए नदियों का पानी इधर से उधर कोड़ने की कोशिश की है। नदियों को जिंदा रखने के लिए उनका 60% पानी नदी में ही रहना चाहिए, तभी हमारी निर्मल गंगा स्वच्छ और अविरल बहेगी। गंगा संवाद यात्रा के सहयात्री बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह, जीवकांत झा दिल्ली, साध्वी रेणुका जी गंगोत्री मठ, संजय शर्मा, कृष्णवीर सिंह, निरंजना देवी, ललिता देवी, विभाजा, निधि झा, सागर पाठक, मंटू तिवारी आदि रहे।